मदर्स वाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को हमने भूगोल में 3 से 4 मैप भरवा चुके हैं, जो आप लोगों के लिए छमाही एग्जाम के लिए पर्याप्त हैं। आज हम आप लोगों को रिवीजन मैप्स बताएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से आपको भारत की प्रमुख नदियों के बारे में वर्णन रहेगा, जिसे सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में रिवीजन के तौर पर इस मैप को बनाएंगे और अपनी फेयर कॉपी में इसको पेस्ट भी करना है। आज हम आपको भारत के मानचित्र के माध्यम से नदियों के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। ये भारत का मानचित्र है और इसमें हमने प्रमुख नदियों को भरा है, तो इसी के माध्यम से आप लोग समझेंगे। आप देखिए, सबसे ऊपर जो भाग है, ये भारत के मानचित्र का ऊपरी भाग जो है जम्मू कश्मीर है, जिसको भारत का मुकुट के नाम से भी जानते हैं। अब ये जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, अब ये आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े बटे हैं, पहले भाग को लद्दाख और दूसरे को जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है। लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की उसी तरीके श्रीनगर है, तो ये दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम ऊपर देखते हैं, जो ये नदी है जम्मू कश्मीर के हिमालय पर्वत से निकली हुई है और लद्दाख के होते हुए जो नदी गई है, ये कौन सी है, चिनाब नदी। कौन सी है, चिनाब नदी। और इसी में आप देख रहे हैं, ये एक नदी है जो आपकी जम्मू कश्मीर पंजाब के रास्ते होते हुए निकलती है, ये सतलज नदी है। और इसके बाद एक प्रमुख नदी आपकी मानसरोवर झील से निकलती है और ये भी भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसे कौन सी नदी कहते हैं, सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। आगे हम बढ़ेंगे तो भारत की 2 प्रमुख नदियां गंगा और यमुना। गंगा नदी भी गंगोत्री से निकलती है और यमुना नदी भी यमुनोत्री से निकलती है। दोनों किस राज्य में है, उत्तराखंड से प्रक्रिया होती है। गंगा नदी की क्या विशेषता है, गंगा नदी जो है भारत के 5 प्रमुख राज्यों से होकर के गुजरती है। नंबर 1 आपको उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, 4 झारखंड और 5वां है पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा नदी गंगा नदी जो क्षेत्र में बहती है उत्तर प्रदेश, सबसे कम झारखंड में बहती है। ये इसकी विशेषता है गंगा नदी। और जो गंगा नदी है, और गंगा नदी के ही सहायक नदी आपकी यमुना नदी है। यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। किस जिले से प्रवेश करती है, सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है और प्रयाग में या इलाहाबाद प्रयाग में जा करके दोनों एक स्थान पर मिल जाती हैं, जिसे हम संगम के नाम से जानते हैं। तो यमुना नदी क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। और आगे हम चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपका गोमती नदी, गोमती नदी जो निकलती है, इसका उद्गम क्षेत्र है फुलर झील। फुलर झील से गोमती नदी निकलती है, जो गोमती नदी के तट पर प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, गाजीपुर और लखनऊ। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, गोमती नदी के तट पर, तो इसे भी याद रखना है। आगे हम बढ़ेंगे तो हम आ जाते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में है जो ये महानदी निकलती है, उड़ीसा में कौन सी नदी, महानदी। और यहीं पर चिल्का झील भी पड़ती है। चिल्का झील की क्या विशेषता है, चिल्का झील की विशेषता है कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
और हम आगे बढ़े तो ये है आपकी गोदावरी नदी, आंध्र प्रदेश से निकलती, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, और यहीं पर कुलेरु झील है। गंगा गोदावरी नदी में ही कुलेरु झील है, या आप कह सकते हैं कि कुलेरु झील से ही गंगा जो आपकी गोदावरी नदी निकलती है, करेक्ट। और हम इसके नीचे बढ़ते हैं, तमिलनाडु में पुलिकट झील है, कहाँ? तमिलनाडु में पुलिकट झील। और हम आगे बढ़ते हैं तो तमिलनाडु से कावेरी नदी निकलती है, जो कि केरल और कर्नाटक रास्ते से होते हुए जाकर के अरब सागर में गिरती जाके, तो कौन सी नदी है ये? कावेरी नदी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ये राजस्थान है आपका, राजस्थान में आपको हमने आपको बताया है प्रमुख जो पर्वत छोटी है अरावली, जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है, वहीं से लूनी नदी का निर्माण होता है, और वहीं पर क्या है? सांभर झील। सांभर झील की क्या विशेषता? सांभर झील जो खारे पानी की झील है, यहीं से हमारे देश का जो खाने का नमक है यहीं से इसका उत्पादन किया जाता है, और यहीं से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी की सबसे बड़ी विशेषता है कुछ क्षेत्रों में इसका पानी खारा रहता है, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं गुजरात में तो इसका जल कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। मतलब है एक ही नदी एक ही धारा, लेकिन अलग अलग स्थानों पर इस नदियों की जल की विशेषता है, कुछ क्षेत्रों में इसका पानी खारा रहता है और कुछ क्षेत्रों में मीठा रहता है, यह है इसकी विशेषता। फिर हम आपको बताते हैं नर्मदा और ताप्ती नदी, जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये आपकी गुजरात निकलती है, या नर्मदा आपके अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कहां पर है? महाराष्ट्र में, और आते हुए ये आपका मध्य प्रदेश और ये क्या नाम से महाराष्ट्र और ये गुजरात होते जाकर के कहां गिरती है? अरब के सागर में गिर जाती है, इसलिए ये नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। और इसी के नीचे आपकी ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी का भी उद्गम ये मध्य प्रदेश से ही होता है, ताप्ती नदी या तापी नदी भी इसी को कहते हैं। और इसमें सबसे प्रमुख है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी आपकी कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में ये आपका कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है, तो ये आपकी प्रमुख नदियां हैं जो सभी बच्चे अपनी पीआर कॉपी में मानचित्र को बाहर करके पेस्ट करना है, और ये नदियां बहुत महत्वपूर्ण है जो सभी बच्चे मानचित्र के सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।